कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। आप लोगों का काफ़ी सारा रिक्वेस्ट कि सर फिजिक्स के VVI क्वेश्चन कुछ बताइए, तो आज की इस क्लास में जो है ना फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा में जो है एकदम पूछे जाने की संभावना रखती है। तो आओ कुछ पढ़िएगा चाहे नहीं, ये जितने भी क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम बताएंगे वो पढ़ के जरूर आप जाइएगा, ठीक है सर? तो चलिए, आप लोगों का रिक्वेस्ट जो है हमारे लिए जो है का है तो एक प्रकार का आज्ञा है। आप आज्ञा देते हैं, हम उसे पूरा करते हैं। तो देखिए, फिजिक्स के ये क्वेश्चन है जो हमने के जो है सॉल्यूशन करेंगे और क्लास के अंत तक जो है ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी लेके रखिए, ठीक है? तो माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये पहला प्रश्न है। तो देखिए, माध्यम के अपवर्तनांक के एगो सिंपल सा फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। आप पढ़े होंगे कि आपतन कोण के त्रिज्या, आपतन कोण के ज्या का होता है तो साइन आई होता है, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। इन दोनों के अनुपात जो है एगो नियतांक के बराबर होता है, जिसे हमनी के कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। ये एगो सिंपल सा परिभाषा था, ठीक है? कौन परिभाषा? तो आपतन कोण की ज्या साइन आर और अपवर्तन कोण की ज्या साइन, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात जो है एगो नियतांक के बराबर होता है, जिसे माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। एक और सिंपल हम परिभाषा आपको बताते हैं। देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से हम यह समझते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक एक प्रकार का संख्या होता है जो यह बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना अधिक है या कितना कम है। फिर से सुनेंगे आप, आइए सुनते हैं सर। माध्यम के अपवर्तनांक से हम यह समझते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक जो है एक प्रकार की संख्या होती है जो यह बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना अधिक है या कितना कम है। और एकर जो है सिंपल सा एगो ये फॉर्मूला था कि आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण साइन आर के अनुपात का एगो नियतांक होता है, जिसे हमनी के माध्यम के अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए सर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए, ये बउआ वाला क्वेश्चन था। तरंगाग्र की परिभाषा आप हमर मुंह से सुनिए। एक माध्यम में सभी कणों के बिंदु पथ है। अब माध्यम किसे कहते हैं, आपके मन में प्रश्न आया। माध्यम मतलब कि चलेला रास्ता, जैसे आप घरे से अपन मार्केट जाते हैं तो एगो माध्यम में जाते होंगे, वो माध्यम का होता है तो रोड के माध्यम से आप जाते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही जो है एक माध्यम में सभी कणों के बिंदु पथ है, जब एक ही अवस्था में कंपन करते हैं तो वो का कहलाते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं। फिर से सुनिए, याद नहीं हुआ ना? अरे फिर से सुन लीजिए। एक माध्यम में सभी कणों के बिंदु पथ है, एक ही अवस्था में कंपन करते हैं तो क्या कहलाते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं। बात समझे? अरे गजब समझदारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ वाला आते हैं और क्वेश्चन पे। देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये प्रकाश जो है 7 रंग में जो है विभक्त हो जाता है, इसी घटना को कहते हैं हमने के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बात समझ गए कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है, जिस घटना को आप क्या कहते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एगो आउ बउआ वाला क्वेश्चन है। जब प्रकाश को किसी होल से गुजारते हैं तो प्रकाश सीधा नहीं जाके टेढ़ा जाए लगता है तो उसे विवर्तन कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, ये जो है एगो होल है आ एकरा से आप प्रकाश को गुजार रहे हैं,
तब प्रकाश जो है कोनो एगो एकदम छोटा सा कण के कारण, छोटा सा कण मतलब कि एगो आपका बाल चाहे एगो तार, बाल से या तार से टकरा के ये सीधा नहीं जाके का तिरछा जाए लगता है, तो इसी घटना को हमने के कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। का फिर से, जब प्रकाश को एक छिद्र से गुजारते हैं तो प्रकाश सीधा नहीं जाके टेढ़ा जाए लगता है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई? कितना आसानी से बहुआ वाला क्वेश्चन है। आई, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, जब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत या वक्रीय आकृति में घूर्णन करता है तो उस एक प्रकार का तरंग उत्पन्न करता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। आप कहेंगे सर चित्र बनाइए मजा आएगा। देखिए, विद्युत हम जो है एगो माध्यम बना दिए, आ माध्यम का तो ऊपर जो है का चल रहा है तो विद्युत जो है विद्युत तरंग, ठीक है बालक, विद्युत तरंग, आ नीचे जो है का तो चुंबकीय तरंग, ठीक है चुंबकीय तरंग, आ ई जो है का करेगा तो आइए आपको समझा देते हैं। देखिए, जब विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग का करेगा तो ज्यावक्रीय गति करता है, तो एक प्रकार के तरंग की उत्पत्ति करता है, उसी तरंग को हमनी के कहते हैं काची तब विद्युत चुंबकीय तरंग। नहीं याद हुआ? अरे फिर से हम सुना रहे हैं ना सर, विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? तो जब विद्युत तरंग आ चुंबकीय तरंग एगो माध्यम में ज्यावक्रीय जो है गति करता है या घूर्णन करता है तो एक प्रकार के तरंग की उत्पत्ति करती है जिसे हमनी के का कहते हैं? तो कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ में आया? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉरेंज बल क्या है? अब भाई ये सब क्वेश्चन बड़ी पूछता है, लॉरेंज बल का है। तो देखिए, जब आप किसी आवेशित कण को, ठीक है ईमान के चलिए ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है, जब कोई आवेशित कण को आप चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे तो ये आवेशित कण पे जो है एक प्रकार का फोर्स काम करता है, बल काम करता है, उसी बल को हमनी के कहते हैं लॉरेंज बल। नहीं समझे? अरे फिर से समझिए, जब चुंबकीय क्षेत्र से आप किसी आवेशित कण को गुजारेंगे तो आवेशित कण पे एक प्रकार का बल लगेगा जिस बल को ही हमनी के कहते हैं लॉरेंज बल। आ लॉरेंज बल इतना कहे के मतलब का है कि ये जेकरा से उत्पन्न होता है ओकरे ही विरोध करे लगता है। इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। चलिए, कि जब एक आवेशित कण को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो एकरा पे एगो फोर्स लगता है, बल लगता है, जिस बल को ही हमनी के कहते हैं लॉरेंज बल। अब आपके सामने वाऊ प्रश्न आया कि नमन कोण की परिभाषा लिखें सर, नमन कोण का चीज है? तो भाई दुनिया के सबसे आसान प्रश्न कि नमन कोण का है, तो नमन कोण का होता है तो पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और परिमाणिक तीव्रता के बीच में जो कोण बनता है उसी को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। आपको तो समझ में आया नहीं होगा, 100% गारंटी है, हम काहे ला इस पृथ्वी पे आए हैं, समझा ही लाए हैं, तो आइए आपको समझाते हैं। देखिए, जब आप पढ़े होंगे फिजिक्स तो आपको बताया गया होगा कि का तो एगो जो है पृथ्वी के जो है क्षैतिज जो है कतार होता है, मालूम है क्षैतिज मतलब कि सूतल, सूतल मतलब कि ऐसे ऐसे क्षैतिज, आ एगो जो है ऊर्ध्वाधर होता है, तो ई वाला लाइन के कहते हैं क्षैतिज तीव्रता, आई खरा वाला को कहते हैं ऊर्ध्वाधर तीव्रता, आई दोनों के बीच में एगो तीव्रता होता है जिसे हमनी के कहते हैं परिमाणिक तीव्रता, ठीक है। तो ई का है, ई है क्षैतिज, ठीक है बालक, आ ई है परिमाणिक, ठीक है परिमाणिक, आई दोनों के बीच में
है जो कोण बनेगा इसी कोण को आप कहेंगे नति कोण या नमन कोण। बात समझ गए? वेरी गुड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए तनी कि चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण जो है ना एकर जो है लगभग जो है हम दो तीन गो परिभाषा देखें और सब जो है ना आसाने हमको लगा। चलिए एगो परिभाषा जो है हम आपको बताते हैं कि किसी छर चुंबक, ठीक है, किसी छर चुंबक की ध्रुव की प्रबलता, एकदम आसान वाला परिभाषा हम आपको बता रहे हैं, किसी छर चुंबक की ध्रुव की प्रबलता उसके लंबाई के गुणनफल होता है, उसके कुल लंबाई के गुणनफल होता है, जिसे हमनी के कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। फिर से आपको नहीं याद हुआ तो आइए उसको जो है हम आपको समझाते हैं। जब किसी छर चुंबक के ध्रुव की प्रबलता को जो है मान लीजिए m, ठीक है, उसके कुल लंबाई के गुणनफल होता है, लंबाई को जो है आप l मान लीजिए, लंबाई के जो है क्या होता है गुणनफल होता है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण। फिर से किसी छर चुंबक की प्रबलता उसके कुल लंबाई के गुणनफल के का होता है तब बराबर होता है उसे ही चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आया? वेरी गुड। चुंबकीय आघूर्ण के एगो वायु फॉर्मूला होता है म्यू बराबर रूट अंडर, ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में हमरा तनी टाइप करके भेज दीजिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट जो है अब चुंबक की अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखिए। बउआ वाला क्वेश्चन कि चुंबक की अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखिए, तो चुंबक के अक्षीय स्थिति को जो है तनी समझिए। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करते हैं, यदि वह बिंदु विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में हो, फिर से इस बिंदु पर जो है आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, यदि वह बिंदु द्विध्रुव पर स्थित हो तो आप क्या कहेंगे उसे आप कहेंगे चुंबक की अक्षीय स्थिति। बात समझ गए? वेरी गुड। अब जो है नेक्स्ट है कि विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। तब विद्युतीय विभव का होता है, जब किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को जो है हमनी के कहते हैं काची, तब विद्युत विभव या विद्युतीय विभव। बात समझ गए? फिर से सुन लीजिए, जब किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कुल कार्य को आप कहते हैं विद्युत विभव या विद्युतीय विभव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखें। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है निकलती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को ही जो है हमनी के कहते हैं का कहते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है उसी क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ गए? चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हो गया? चलिए वेरी गुड। मान के चलिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, एकरा से जो भी जो है चुंबकीय रेखाएं निकल रहा है तो कुल चुंबकीय रेखाओं की संख्या को हमने के चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। बात समझ गए? चलिए हई क्वेश्चन भाई, नॉट गेट और गेट आएगो एंड गेट होता है, एकदम पूछबे करेगा तो पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। कहा है क्वेश्चन कि नॉट तथा और गेट की सत्यता सारणी तथा बुलियन व्यंजक लिखें। तो बस आप लिख दीजिए नॉट गेट का बुलियन व्यंजक का होता है वाई बराबर ए के ऊपर बार, आ सत्यता सारणी का होता है तो ए में जीरो और ए एक, आ वाई बराबर ए बार में एक और जीरो। ये तो आप पढ़े होंगे ना फिजिक्स में, एकदम पढ़े होंगे। आइए
और गेट की अगर बात करें तो बुलियन व्यंजक होता है y बराबर a प्लस बी। असत्यता सारणी आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। आया है क्वेश्चन कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है बालक। आवेश संरक्षण सिद्धांत मतलब कि ना ही आप आवेश को जो है उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी सिद्धांत को हमने के कहते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। मतलब कि वैसन सिद्धांत जिसमें आवेश को ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ आप जो है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे उसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। वेरी गुड। अल्फा किरणों के दो गो गुण बताइए तो बालक का होता है। अल्फा किरण के पहला गुण कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है विक्षेपित हो जाता है कि नहीं। और ये क्या करता है तो ये जो है किसी भी पदार्थ को आयनीकृत कर देता है अल्फा किरण। ये सब गुण आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं भाई तब पढ़ लीजिएगा, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है। विभव मापी के दो उपयोग बताएं। अब विभव मापी के दो गो उपयोग का बताइएगा तो विद्युत वाहक बल मापने में जो है हमनी के करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध मापने में जो है इसका करते हैं विभव मापी का उपयोग, है कि नहीं। विद्युत वाहक बल एगो मापे में आ एगो जो है आंतरिक प्रतिरोध मापे में। ये तो बतवा आपको मालूम है न, तो फिजिक्स के ये 15 गो आप क्वेश्चन किए हैं। अब बताइए सिर्फ हमको कि 15 क्वेश्चन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। याद हो गया होगा हमें उम्मीद है, नहीं याद हुआ है तो आपको याद करना होगा, वीडियो को एक बार फिर से आप देखिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एक नोट्स हम आपको दे दें तो नोट्स वो जो है ना मिल जाएगा आपको, कुछ नहीं कर ला है। प्ले स्टोर से SGS क्लासेस को आपको डाउनलोड करना है। एकरा में साइंस के क्रैश कोर्स जो हमने के 499 में बेच रहे थे कुछ दिनों के लिए जो है 99 रुपया हम कर दिए हैं, जाके अब ले लीजिए, ओकड़े में जो है इसका नोट्स मिल जाएगा। फिजिक्स आपको बढ़िया से पढ़ाया गया है, आपको मैथ पढ़ाया गया है, बायोलॉजी केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब कुछ ओकरा में मात्र 99 रुपया में, है कि नहीं। बस आप इंटरेस्टेड हैं तो जाके लीजिए, है कि नहीं। तो वीडियो आप देखे हैं तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर फिजिक्स से रिलेटेड और वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बनाएंगे, है कि नहीं। वीडियो आप देखे हैं तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।